अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबरदीन जानकी राम रसायन तुमरे पासा। एक बार श्री हनुमान जी महाराज जब अयोध्या में राम जी का राज्य स्थापित हो गया, अयोध्या के राजा श्री राम बन गए, विराजमान हो गए। हनुमान जी घूमते रहते थे तो कपड़े की दुकान वालों ने हनुमान जी को रोक लिया। कपड़े वालों ने, किराने की दुकान वालों ने हनुमान जी को रोका। रोक कर पूछा, क्यों रे हनुमान, तूने लंका कैसे जलाई थी? हनुमान जी ने कहा, उन्होंने मेरी पूंछ में कपड़ा बांधा, तेल डाला, आग लगाई, मैंने जला। रोज कपड़े वाले, किराने वाले हनुमान जी से रोज पूछते, तूने लंका कैसे जलाई, लंका कैसे जलाई, लंका कैसे जलाई, हनुमान तूने लंका कैसे जलाई? हनुमान जी ने कहा, उन्होंने मेरी पूंछ में कपड़ा बांधा, तेल डाला, आग लगाई, मैंने जला ली। हनुमान ने कहा, बस ऐसा? हाँ। किराने वाले कपड़े वाले बोले, एक बार जला के बता। हनुमान जी ने कहा, बांधो कपड़ा। उन्होंने पूंछ में कपड़ा बांधा, तेल डाला, आग लगाई, हनुमान जी उन्हीं की दुकान में घुस 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 उन्हीं की दुकान, सारी किराने की दुकान, कपड़े की दुकान जितनी थी सब जल गई। सब दौड़कर राम जी के पास गए। राम जी के पास जाकर आवाज लगाई कि राम जी राजा बनकर बैठे हैं, अयोध्या के राजा राम के सामने हमारी दुकान जल रही है, हमारी दुकान में आग लग गई है, ये कैसे हो गया? हनुमान जी को बुलाया गया, हनुमान तुम इतने चतुर होने के बाद, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबरदीन जानकी राम रसायन तुमरे पासा, तुम इतने चतुर होने के बाद तुमने इनकी दुकानों में आग क्यों लगा दी? हनुमान जी बोले, ये रोज कहते थे लंका कैसे जलाई, कैसे जलाई, कैसे जलाई, मैंने कहा कपड़ा बांधा था, तेल डाला था, आग लगाई, मैंने जलाई। इनने कहा जला के बता, हमने कहा लगा। तो तूने इनकी दुकान क्यों जलाई? तो हनुमान जी बोले, इनकी दुकान लंका से कम है क्या? एक रुपए की चीज दस दस रुपए में बेचे तो आग ऐसी लगाऊंगा? ये कम है। राम जी की कथा कहती है, रावण जब अंत समय में जमीन पर पड़ा था तब राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा था, जाओ, विद्वान है रावण, बहुत विद्वान है रावण, जाओ उसके पास थोड़ा सा ज्ञान लेकर आओ। लक्ष्मण जी गए थे रावण के सिर के पास, जाकर खड़े हो गए थे। रावण ने मुंह फेर लिया था कि लक्ष्मण, तो इतने बड़े बड़े गुरु का चेला है, तुझे इतना सा ज्ञान नहीं है कि किसी विद्वान के पास जाते हैं तो उसके सिर पे नहीं बैठते, उसके चरणों में बैठते हैं। और लक्ष्मण का मुंह देखकर रावण ने मुंह फेर लिया। लक्ष्मण गुस्से में राम जी के पास पहुंचा और राम जी से जाकर कहा कि रावण को बहुत अभिमान है, उसने मुझे देखा और मुंह फेर लिया, उसने मुझे देखकर मुंह फेर लिया। इतने में राम जी ने कहा, लक्ष्मण रावण को अभिमान नहीं है, अभिमान तो तेरे भीतर भरा हुआ है। गुरु के पास जब ज्ञान लेने के लिए जाते हैं तो उसके सिर के पास नहीं बैठते, उसके चरणों में जाकर बैठते हैं। जा उसके चरण में जा, बैठो उसके चरणों में, उसके चरणों में जाकर विराजमान, उसके चरणों में जाकर बैठ जाइए।